Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का टोनर. टोनर आप जरूर यूज़ क्या कीजिए, ये आपके जितने भी पोर्स हैं उनको ब्लर आउट करता है और टाइटन करता है. तो ये यहाँ पे मैं बायोटिक का बायो कुकुम्बर का टोनर यूज़ कर रही हूँ. अच्छे से इसको लगा लीजिए और देन मैं अमीनाओ की बीबी क्रीम ले रही हूँ. रोज़ मॉइस्चर करते हैं तो मैं इसको पूरे अपने चेहरे पे लगा लूँगी. देन उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसको डैप डैप करके पूरे चेहरे पे यूज कर लूँगी, लगा लूँगी. देन उसके बाद इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी. ये बहुत अच्छा मतलब कवरेज दिया है इसमें. अच्छे से एज अ कंसीलर भी यूज करूँगी, एज अ फाउंडेशन भी यूज करूँगी. तो मैं अच्छे से चेहरे पे ब्लेंड कर लूँगी. मैं यहाँ पे ये बंदे यूज कर रही हूँ बैक करके तो अच्छे से इसको बैक कर लें. उसके बाद स्पीज आउट करके तब इसको यूज़ करें. गीला करने के बाद भी अच्छे से जो आपके क्रीम को या फिर फाउंडेशन को अच्छा अच्छे से ब्लेंड कर देता है. तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा कवरेज दिया है. उसके बाद मैं ऑनलाइन रेडियंस का नेचुरल रोज शेयर कर दिया. तो मैं इसको अपने चेहरे पर एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ. ये अच्छे से लगा लूँगी. और फाउंडेशन के बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं. तो जो पाउडर है वो अच्छे से आपको ब्लेंड कर देता है और जो चेहरा है आपका अच्छे सेट हो जाता है. एकदम एकदम सेटिंग पाउडर की तरह उसको करेगा. ये पैलेट ले रही हूँ. तो ये मेरा आई थिंक रोज़ है, रोज़ शेड है. तो मैं इसमें से ये पिंक कलर लूँगी. तो इसको मैं अपने पूरी आइज पर लगा लूँगी, ऐसा अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है. इसके बाद इसी पैलेट में से मैं एज अ हाइलाइटर कॉपरिश कलर लूँगी, कॉपरिश ब्राउन. तो मैं बोन के समथिंग लगाऊंगी एंड दोनों साइड पे हाइलाइटर. बहुत अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर है, बहुत अच्छी. मैंने इस पैलेट का रिव्यू भी किया है, आप उस वीडियो में अपलोड कर दूंगी. तो आप उस वीडियो को भी देखिए. उसको पसंद भी आया